अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। अब तक हम लोग आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते आए हैं वो हम लोगों ने क्या पढ़ी है, आपको याद भी होगा कि हम लोग कहते हैं आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। आइसोमर्स की हम लोग डेफिनेशन जो करेंगे, जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, those molecules which have same molecular formula but differ in chemical एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ये डेफिनेशन आप लोग जो है ये नोट डाउन कर ले। वो जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में वो ठीक नहीं है। ठीक है, आइसो मीन सेम। अब सेम चीज इसमें क्या है, मोलेक्युलर फार्मूला। जो चीज़ डिफर कर रही है वो कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो सिमिलरिटी एग्जिस्ट कर रही है वो उनके मोलेक्युलर फार्मूला सेम होने में है। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब जो आइसोमर्स हैं स्टूडेंट्स, आइसोमर्स की हमारे पास टू मेजर कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स। तो हम लोग जो बुक में डेफिनेशन पढ़ते रहे हैं कि आइसोमर्स विच हैव सेम मोलेक्युलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर, वो असल में ये स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए तो ठीक है वो डेफिनेशन, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास वो आइसोमर्स हैं जिनके मोलेक्युलर फार्मूला भी सेम होते हैं और उनके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ पर आता है, हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, वहाँ फ़र्क आ रहा होता है। ठीक है, तो फिर वो डेफिनेशन ठीक नहीं हुई कि डिफर इन स्ट्रक्चर। तो लिहाजा हम लोग मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ये वाली देखेंगे। ठीक, अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो आगे से फर्दर क्या हैं, हमारे पास होता है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स, टॉटोमर्स एंड रिंग आइसोमर्स। ये हमारे पास टाइप्स हैं किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
इसमें से हम लोग ये फर्स्ट फाइव जो है इनको पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दी गई हैं। रिंग आइसोमर आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया है, लिहाजा मैं भी उसको डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स जो कि सेम मोलेकुलर फार्मूला रखते हैं लेकिन एटम्स के या जो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन इन स्पेस जिनमें मुख्तलिफ होती है उनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। उनमें हमारे पास होते हैं कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक, फिर ये कॉन्फिग्रेशनल जो होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जी, ये हमारे पास टोटल क्लासिफिकेशन है आइसोमर्स की, और आइसोमर्स का जो फिनोमिना है उसे आइसोमेरिज्म बोल दिया जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में से छः में से फाइव हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, और स्टीरियो आइसोमर्स में से हम लोग क्या है होती इसकी मेजर टाइप्स टू हैं। इस फर्स्ट वाले की आगे से फर्दर टू डिविजन्स हैं जिसमें से हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स टाइप्स, ठीक है। हम स्टार्ट करने लगे, सबसे पहली टाइप मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की लेती हूँ, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? चेन आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड हमारे पास बट डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन, ठीक। ये टू पॉइंट्स होते हैं चेन आइसोमर्स में। चेन आइसोमर्स की एग्जांपल को समझने के लिए अल्केन सीरीज को मैं पिक करती हूँ। अल्केन सीरीज का पहला मेंबर होता है मीथेन CH4, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ही है, ठीक है। इसका सेकंड मेंबर होता है इथेन, यानी कि टू कार्बन वाला C2H6, ठीक है। ये इस तरह से होता है CH3 CH3। तो इसने किस तरह से अरेंज होना है कि भाई सिंगल कार्बन चेन तो हो नहीं सकती, तो लिहाजा इसका आइसोमर नहीं होता। प्रोपेन थर्ड यानी कि C3H8, ठीक। ये हमारे पास अगर मैं इसको चेन फॉर्म में लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी किसी मजीद तरीके से इसकी कार्बन चेन को चेंज नहीं किया जा सकता, मेन कार्बन चेन को, थ्री है तो थ्री रहेगी रहेगी। तो लिहाजा जो हमारे पास फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं उन तीनों के आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते अल्केन सीरीज के फर्स्ट थ्री मेंबर्स के, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ मेंबर की तरफ, ब्यूटेन, फोर कार्बन वाला अल्केन, जिसका ब्यूटेन, तो ब्यूटेन होता है C4H10, ठीक है। इसका देखें हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब देखें CH3 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 CH3
अब देखें 1 2 3 4 सेंटर वाला जो है, मैंने फोर बॉन्ड्स गिन लिए उसके। ये है हमारे पास आइसो ब्यूटेन, ठीक है। जब भी चेन चेन में सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हो तो वो आइसो होता है। जब हम लोग कॉमन नेमिंग कर रहे होते हैं तो हमने टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनने होते हैं, ठीक है। जब हम लोग IUPAC नेमिंग करते हैं तो उसके रूल्स डिफरेंट होते हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन। तो देखें इसकी जो मेन चेन है प्रोपेन 3 कार्बन वाली है, लिहाजा ये और ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं। अब मैं अगर क्या लिखूं, 1 2 3, ठीक है, आइसोब्यूटेन मैंने लिखा। अब इसको मैं मजीद किसी तरीके से नहीं लिख सकती, मतलब कि 4 कार्बन्स के साथ मजीद मैं किस इसको नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, चेन आइसोमर्स 2 होते हैं, ठीक है ना। अब मैं चलती हूँ किसकी तरफ, नेक्स्ट अल्केन सीरीज का मेंबर है पेंटेन। पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12। 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने लिख दिया नॉर्मल पेंटेन, ठीक है जी। 1 2 3 4, 5 वाली पहले चेन थी कंटिन्यूस, अब मैंने 4 वाली मेन चेन बनाई और एक मैंने एज अ एक कार्बन यानी एक मिथाइल को मैंने एज अ सब्स्टिट्यूएंट एज अ ब्रांच ले लिया है, ठीक है। तो अभी भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। C5 है, H12 है, इसमें भी काउंट कर लें, C5 है H12 है। तो ये देखें अब हमारे पास सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये हमारे पास होगा आइसो। कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन गिनने हैं, 5 कार्बन है तो आइसो पेंटेन इसका नाम होगा, ठीक। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो नोट करें जो मेन चेन है वो यहां पर उसका नंबर, उसमें कार्बन नंबर चेंज हो चुका है। ये 5 वाली चेन थी, ये 4 वाली चेन है। इसका मतलब है ये कंपाउंड इस कंपाउंड से मुख्तलिफ है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है, तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन कंपाउंड ये क्या हैं? मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अब पेंटेन को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स थे वो मैंने इरेज कर दिए। अब मैं 1 2 3 3 वाली चेन ले ली, चेन को मजीद कम कर दिया, एक मिथाइल ऊपर ले लिया, एक मिथाइल नीचे ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखें 1 2 3 4, 4 कार्बन है सेंटर वाले के, बाकी सब में भी कार्बन देखें, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक कार्बन के साथ अटैच है, 4 ये बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन और 1 ये, 3 हाइड्रोजन और 1 ये, 3 हाइड्रोजन, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास नियो इसको बोलते हैं, नियो पेंटेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नियो पेंटेन कॉमन नेम है ना, तो कॉमन नेम में मैं फिर याद करवा दूं कि सारे कार्बन्स को गिना जाता है। अब मैं इसका IUPAC नेम करूं तो वो क्या होगा हमारे पास? 2,2-डाई
मिथाइल। अब इसकी जो मेन चेन है स्टूडेंट्स वो 3 कार्बन्स वाली है, तो मतलब ये प्रोपेन, ये कंपाउंड ही क्या हो चुका है, मुख्तलिफ हो चुका है। ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है और ये पेंटेन है। ये तीनों के एक दूसरे के आइसोमर है क्योंकि इन इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। इसमें भी गिन लें, इसमें भी कार्बन 5 है और हाइड्रोजन इसमें भी 12 ही है, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12। ठीक है, तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, और जो कार्बन चेन लेंथ है, मेन चेन लेंथ, वो डिफर कर रही है। तो ये था हमारे पास चेन आइसोमर्स, इसको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अलोंग कार्बन चेन डिफर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड CH3, कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरे करने हैं हमेशा बॉन्ड गिन के, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये हमारे पास है 2-ब्यूटीन। ठीक, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H8। गिन लें, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, 3 और 3 6 7 और 8। ठीक, अब अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड को मूव करके फर्स्ट पोजीशन पे ले आऊँ, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। ठीक है, ये मेरे पास है 1-ब्यूटीन। इसमें भी क्या है, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8 है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चरल जो सॉरी कार्बन चेन के लॉन्ग जो है ना डबल बॉन्ड ने मूव किया है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है। ठीक, अगर मैं CH3, CH2, C डबल बॉन्ड CH2 ये लिखूं तो क्या ये इसका एक और आइसोमर बन जाएगा? नो, ये और ये सेम है। जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक होता है उसी को हमने फर्स्ट गिनना है, तो लिहाजा ये भी क्या है, 1-ब्यूटीन है। ठीक है, नेमिंग में ये सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे हमारे पास, तो ये कोई आइसोमर नहीं है बल्कि ये इसी स्ट्रक्चर को एक और तरीके से देखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स ब्यूटीन के 2 है, एक में वो फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, इसमें सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। इसकी और भी एग्जांपल ली जा सकती है, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि इसकी CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CN। ठीक है, ये है मेरे पास C4, H हमारे पास क्या है H9 और Cl। गिन लें, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और एक Cl, ये हमारे पास है 1
क्लोरो ब्यूटेन। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इस क्लोरीन को इस पोजीशन पे ले आऊं, CH3, CH2, CH, यहां पर मैंने CL लगा दिया और ये है CH3। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, C4 है, H9 है और क्लोरीन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप वो क्या कर रही है, डिफर। इधर फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन, इधर सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम होगा टू क्लोरो ब्यूटेन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया क्या, पोजीशन आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ये सेकेंड टाइप होगी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। व्हाट इज दैट? दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की थर्ड टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके ओके, देखें मेरे पास है क्या, क्या है ये है एक अल्कोहल। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H3456 7। ठीक है, इस H को भी अगर मैं यहां पर लिख दूं, H8 और O। ठीक है, अब मैं क्या करूं, जी स्टूडेंट्स, इसमें भी कार्बन कितने कितने हैं, C3H हमारे पास 6 7 8 और ऑक्सीजन। तो देखें दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये अल्कोहल फैमिली से है कंपाउंड, और ये ईथर फैमिली से है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल एंड ईथर ये कंपाउंड्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यस, CH3, CH2, C। जी, क्या है स्टूडेंट्स, ये एक कीटोन है। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लें, C4 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखें कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 और इसमें एक ऑक्सीजन है। ठीक है जी, अब मैं अगर लिखती हूँ CH3, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या है ये स्टूडेंट्स, ये देखें ये है एल्डिहाइड।
ये एक हेल्डिहाइड है। अब इसके अंदर भी जरा कार्बन देखें कितने हैं, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर भी हाइड्रोजन कितने, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और एक ऑक्सीजन। तो ये दोनों देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हालांकि एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, टोटली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका मतलब है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, एक और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के एग्जांपल्स लेती हूँ मैं जी। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, क्या है स्टूडेंट्स, इस पे जरा गौर करें। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है। ठीक है, इसका जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें क्या है, C4, 1, 2, 3, no, C3। ठीक है, हाइड्रोजन देखें 3, 4, 5 एंड 6, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब मैं एक और कंपाउंड लिख रही हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, O, CH3। जी स्टूडेंट गैस करें क्या है ये? ये है एक एस्टर। ठीक है, अब जरा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, कार्बन इसमें 3 है, 1, 2, 3, हाइड्रोजन 3 एंड 3, 6 है, और ऑक्सीजन 2 है। तो देखें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट टोटली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, इसका मतलब है तीसरा हमारे पास कौन सा ग्रुप हो सकता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का, जो कार्बोक्सिलिक एसिड, का आपने अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ढूंढना है तो आप एस्टर में ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के फोर्थ टाइप की तरफ। क्या होती है वो? मेटामर। जी स्टूडेंट्स, मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स वो आइसोमर्स होते हैं, फोर्थ टाइप है, ठीक है, मेटामर्स और मेटामरिज्म। जी, जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं लेकिन अल्काइल चेन लेंथ वेरी ऑन ईच साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप और पॉलीवेलेंट एटम। ठीक है, दोनों तरह से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। देखें स्टूडेंट्स क्या है इसका मतलब, ऐसे आइसोमर्स जो जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस जो कार्बन चेन्स अटैच हैं वो मुख्तलिफ लेंथ्स की हों, वो मुख्तलिफ लेंथ्स की हों। ठीक है, इस
में हमारे पास आइसोमर्स के फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए, ठीक है। इसको आपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से मिक्स अप नहीं करना, उसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही वेरी कर रहे थे अभी जो प्रीवियस पढ़ा है। इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है जो फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द अल्काइल चेन्स अटैच हैं उनकी लेंथ वेरी करती है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम, ठीक। ये मैंने इसलिए लिखा कि आप मेटामर्स को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के साथ मिक्स अप नहीं करें। एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये मेरे पास है एक कार्बोनिल ग्रुप कीटोन है। कीटोन के इस जानिब थ्री कार्बन वाली चेन है और इस जानिब सॉरी टर्मिनल पे थ्री एच थ्री होता है हमेशा, टू कार्बन वाली चेन है। अब मैं करूं क्या, इसका जरा आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। 1 2 3 4 5 6 सी सिक्स है, एच देखें कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ऑक्सीजन हमारे पास है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर थ्री कार्बन चेन की बजाय 1 2 3 4 कार्बन चेन इस साइड पे कर दी और यहाँ पर टू कार्बन चेन की बजाय 1 कार्बन चेन रख दी, ठीक है जी। ज़रा इसका आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन 12 ही है, ऊपर भी 12 नीचे भी 12 और ऑक्सीजन। तो देखें दोनों का हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कार्बन चेन लेंथ पहले इधर एक 3 थी और इधर 2 थी, इधर अब 4 हो गई और इधर 1 रह गई है। तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं, ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इनको मेटामर बोलेंगे। इसकी इसमें हम लोग ईथर की एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। ईथर, ईथर के सेंटर में ऑक्सीजन होता है ना, डाइवेलेंट है यानी कि पॉलीवेलेंट में आ जाता है। अब इसके यहाँ पर CH2 है CH3 है, यहाँ पर मेरे पास CH3 है, ठीक। अब देखें इधर 3 वाली चेन है, इधर 1 वाली चेन है। अब मैं इस तरफ भी अगर 2 वाली चेन कर दूँ और इस तरफ भी मैं अगर 2 चेन कर दूँ अल्काइल की, तो देखें अब जरा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। इसको जरा काउंट करें, 1 2 3 4 कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऑक्सीजन। तो देखें दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप या पॉलीवेलेंट एटम के अक्रॉस कार्बन चेन लेंथ वेरी हो गई, यहाँ पर 3 वाली थी यहाँ 2 वाली हो गई, यहाँ 2 वाली थी यहाँ 1 वाली थी यहाँ 2 वाली हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटामर की एक एग्जांपल होगी। मेटामर की एक और एग्जांपल भी ली जा सकती है अमाइन के केस में जी। अमाइन में हमारे पास सेंटर में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, H2 और यहाँ पर मेरे पास क्या ले CH2 CH2 CH3 जी। अब मैं क्या करूँ, इसका ज़रा फार्मूला लिखें। C3 हाइड्रोजन देखें कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 और एक नाइट्रोजन है। अब मैं इसी को अगर ऐसे लिखूँ CH3 CH3 CH3, देखें यहाँ पर नाइट्रोजन के दो जानिब एच है और एक जानिब थ्री कार्बन चेन है, यहाँ पर नाइट्रोजन के तीनों जानिब 1 1 कार्बन चेन है। काउंट करें जरा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, C3 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 3 हाइड्रोजन 9 और नाइट्रोजन
तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला जरा चेक करें, सेम है, लेकिन दोनों के जो पॉलीवेलेंट एटम या फिर फंक्शनल ग्रुप के साइड में जो कार्बन चेन लेंथ है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, इसका एक और मेटामर भी लिखा जा सकता है, मैं एक जानिब एच लिखूं, ठीक है, और ये देखें, अब देखें यहां पर पॉलीवेलेंट एटम के एक जानिब एच है, इधर यहां पर एच ही था लेकिन यहां पर एक कार्बन चेन आ गया, यहां पर थ्री कार्बन चेन था, यहां पर टू कार्बन चेन आ गया। इसका भी जरा आप काउंट कर लें, बेशक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इस टर्मिनल पे हमेशा थ्री आता है, याद रखिएगा, 1 2 3 सी थ्री हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और नाइट्रोजन 1। तो देखें इसका भी सेम निकला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा मेटामर है। ठीक, तो इसका मतलब है वो फंक्शनल ग्रुप या वो पॉलीवेलेंट एटम जिसके अक्रॉस अल्काइल की चेन वेरी कर रही हो, उसकी लेंथ वेरी कर रही हो, उसको हम मेटामर्स बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप मस्ट भी सेम रहना चाहिए। ठीक, अब हम लोग फिफ्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर की तरफ चलते हैं। मेटामर के बाद क्या होता है हमारे पास, टॉटोमर। यस स्टूडेंट्स, टॉटोमर्स क्या होते हैं, टॉटोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन होता ये है कि वो एक दूसरे से स्ट्रक्चर में वेरी कर रहे होते हैं। किस वजह से, किस उनके अंदर प्रोटॉन जो होता है वो अपनी जगह को चेंज करता है, प्रोटॉन अपनी जगह को चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं टॉटोमर्स। ठीक है, प्रोटॉन की अपने विद इन द मॉलिक्यूल, जब प्रोटॉन अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी अटैचमेंट को चेंज करता है, तो हम उसको बोलते हैं टॉटोमर्स। इसके एग्जांपल जरा देखें, टॉटोमर्स। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा जी, मैंने एक अमाइनो एसिड लिख दिया। ठीक है, जनरल फार्मूला लिख दिया मैंने अमाइनो एसिड का। अब यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है, होता ये है कि ये वाला जो ये एसिड ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाला प्रोटॉन यहाँ से मूव कर जाता है यहाँ पर, यानी कि NH2 का नाइट्रोजन जो है वो इस प्रोटॉन को पिक कर लेता है और कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये बन जाएगा NH3 और ये रह जाएगा COO-। अब देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नॉर्मली कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 3 बॉन्ड्स बनते हैं। जब नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर को इस्तेमाल करके प्रोटॉन को पिक कर लिया यहाँ से, तो इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और पीछे एक कार्बन के साथ, तो ये पॉजिटिव साइन ले लेगा, ये हमारे पास बन गया ज्वेटरॉइन। इसको क्या बोलते हैं, ये ज्वेटरॉइन बन गया। ठीक है, तो ये टॉटोमर क्या हुआ हमारे पास, विद इन द मॉलिक्यूल प्रोटॉन ने अपनी पोजीशन क्या की है, चेंज की है। ठीक है, तो ये एक टॉटोमेरिज्म की क्या है, एग्जाम्पल होगी। टॉटोमेरिज्म की हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कीटोन। कीटोन में
ये मैंने ले लिया एसीटोन, ठीक है, ये कीटोन। देखें अब मैं जो ये टर्मिनल पे CH3 है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देख सकती हूँ ना मैं। तो टाटोमेरिज्म, हम लोग ये कह रहे थे कि टाटोमर्स हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, रेडली क्या हो रहे होते हैं हमारे पास, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है और एक कंपाउंड दूसरे में, दूसरा कंपाउंड जो है दोबारा से पहले में क्या हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है। इक्विलिब्रियम पे दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और वो दोनों कंपाउंड्स बनते भी कैसे हैं, जस्ट हमारे पास क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटॉन जो होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, कभी एक एटम के पास होता है, कभी मूव करके दूसरे एटम के पास चला जाता है। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास कि ये डबल बॉन्ड जो है इसके ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है, इस पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज किसको पिक कर लेगा, इस प्रोटॉन को पिक कर लेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो फॉर्म बनेगी वो कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी, ये ओ एच हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ग्रुप होता है ना इसको हम इनोल बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कीटो इनोल टाटोमेरिज्म, कि कीटो जो कीटोन होता है वो इनोल में क्या होता है, चेंज होता है, जो इनोल होता है वो कीटो ग्रुप में क्या होता है, चेंज होता रहता है, ये इंटरचेंज होते रहते हैं और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश रहता है। तो ये हुआ कैसे है, ये जस्ट हमारे पास क्या हुआ है कि प्रोटॉन मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटॉन जो है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया हमारे पास, तो इस प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये टाटोमर था हमारे पास जो कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से होता है। अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 5 टाइप्स जो हैं उसको पढ़ चुके हैं, अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और उसकी टाइप्स जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, बकिया जो है हमारे पास वो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड किया जाए।